राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय महाकाली। मेरे प्यारे दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं आपका इस बेहद ही खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपकी ग्रह दशा। तो दर्शकों, आपकी बड़ी से बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम रोजाना आपके सामने प्रस्तुत होते हैं और आपके जीवन में चेंजेस देखना चाहते हैं। तो दर्शकों, आपने पूछा था कि शरीर में हर एक चीज़ कुछ ना कुछ महत्व देती है, जैसे निशान। अब आप मेरे को आप मुझे पूछ रहे थे कि आप क्या पूछ रहे थे, आप मैं बता सकता हूँ आपको कि आप तिल से रिलेटेड एक तो जानकारी लेना चाहते थे और हाथ में चिन्ह जो लकीर है हस्तरेखा। मैंने हस्तरेखा का ऑलरेडी पहले से ही वीडियो डाल रखा है, तो आप देख सकते हैं। आपको शॉर्टकट में आप खुद ही ज्योतिष बन सकते हैं, इतनी जानकारी मैं उस वीडियो में दे चुका। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा और आपको आपके लिए हम रेगुलर एक ना एक अच्छी वीडियो डालते रहेंगे। अब आपको मैं बताता हूँ, जिस तरह आपके सीधे हाथ में अंगूठे के नीचे अगर तिल होता है तो आपका सूर्य फर्स्ट क्लास होता है और बड़ा होता है, और किसी किसी लेडीज़ के लेफ्ट हाथ में तिल यहाँ सीधे यहाँ पे हो तो वह लेडीज़ अच्छा काम करती है और घर का स्त्रीत्व बलवान रहता है, कि लेडीज़ ही मतलब महिला ही उस घर को अच्छा चला सकती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन पुरुष के सीधे हाथ में और सेंटर में तिल होने पे उस पुरुष का भाग्य अच्छा होता है, लेकिन उस तिल को इस तरह से मुट्ठी में बंद होना जरूरी है। अगर तिल बाहर होता तो कहते हैं अनावश्यक खर्चा भी होता है। किसी पुरुष के इस वाली अंगुली, हम कह सकते हैं इस कनिष्ठ का अंगुली और स्मॉल फिंगर, इस अंगुली के नीचे अगर आपके तिल होता है, वैसा इंसान बिजनेस में बहुत ही अच्छा होता है और उनका माइंड बिल्कुल ही बेस्ट रहता है और पढ़ाई भी बहुत अच्छी करता है। लेकिन इधर तिल होने पे इंसान वकील भी बन सकता है और जज भी, या आपके दिमाग पे भी डिपेंड है। अनामिका उंगली के नीचे तिल होने पे इस वाली और रेखा, ये जो रेखा है इसके ऊपर तिल होने पे और अनामिका उंगली के नीचे तिल होने पे, ये उंगली किसके सूर्य से डेलिकेट है। आपके सूर्य जितना अच्छा होगा उतना आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा और आपके चेहरे पे ग्लो रहेगा। तो इस उंगली के नीचे तिल होने पे इंसान मान सम्मान और उसके साथ साथ पूजा पाठ और एस्ट्रोलॉजिस में भी बहुत ही अच्छा जानकारी रखता है और माता पिता की सेवा करता है। मध्यमा उंगली है वो शनि से डेलिकेट है, यह पर्वत शनि का है। इसके नीचे तिल होने पे इंसान के लोखन से रिलेटेड यह वर्किंग होती है। आपको मैं बता सकता हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, घोड़े, ट्रैवल्स जैसी ज़मीन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम उसको मिलते हैं और उसमें वह बेस्ट वर्किंग करके आपको बताता है। यह है आपका पुखराज का पर्वत और इधर अगर आपका काला तिल होता है तो आप समझ जाइए सोने पे सुहागा जैसी बात है। अगर यहाँ तिल होने पे इंसान के भाग्य चमकते हैं, यह अवश्य गारंटी बात है और टेस्टेड है यह चीज़। मैंने कई कई क्लाइंटों के ऊपर यह देखा है कि जिन क्लाइंटों के हाथ के इस वाली फिंगर के नीचे तिल है वह इंसान ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है। आपको बाकी जानकारियाँ मैं दूसरे वीडियो में भी दूंगा, लेकिन एक शॉर्टकट चीज़ और बताता हूँ। जिनके गुरु और चंद्रमा का पहाड़, चंद्रमा तो हम ऐसे नहीं मानते लेकिन शुक्र जो यह है, आप देख सकते हैं शुक्र का यह पहाड़ जितना ऊंचा होगा, इसमें लाइन कटी हुई नहीं होगी, वह इंसान आगे जाके तरक्की और फेमस बहुत अच्छा होता है। लेकिन अपने कर्म को भी अच्छा रखिए, इसलिए आपके ग्रह भी अच्छे रहेंगे। जय श्री महाकाल।